मुकेश मोहन जी, सबसे पहले तो आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद भी। अमित जी धन्यवाद तो मेरी तरफ से, क्योंकि आप तो हमेशा, मैं आपको एक गुरु के रूप में मानता हूँ, हमेशा चाहता हूँ कि आपको फॉलो करते रहूँ, और जिस तरह से आप एंटरप्रेनर्स को एडवाइस करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के काबिल है। तो मेरे तो आप गुरु हैं, आपका बड़प्पन है। तो आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। अभी आज के प्रोग्राम में ना बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं, यूथ भी हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर एमएसएमई है क्या, क्योंकि बड़ी समस्या है। लोगों ने एमएसएमई का नाम तो सुना है कि सरकार बेनिफिट देना चाहती है और हम लेना भी चाहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो सटीक शब्दों में आप ये बताएं कि सर एमएसएमई क्या है और इसका लाभ हम किस तरीके से ले सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी छोटी स्कीम है जिसमें कोई व्यक्ति कम समय में ठीक से अपनी लिक्विडिटी या अपनी सब्सिडीज जो भी मिलती हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कैसे अवेल कर सकता है। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। जी अमित जी, तो ये मैं तो कहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम की, आपके यूट्यूब चैनल की, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए कोविड का समय है और कोविड के समय में जो असली मार जो पड़ी है सबसे ज्यादा है, अगर हम एमएसएमई को ऐसे समझे कि छोटे व्यापारी जो हैं, तो जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जिनको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनके ऊपर पड़ी है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो ये भी रोजगार सृजन करने के सबसे बड़े स्रोत हैं आफ्टर एग्रीकल्चर। तो जब हम कहते हैं कि भाई रोजगार की दिक्कत है, तब भी हम शायद यही कहना चाहते हैं कि जो एमएसएमईज हैं उनको क्योंकि कष्ट है, उनको प्रॉब्लम है, उनकी वजह से ही रोजगार की भी समस्या क्रिएट हुई है। एमएसएमई को हम सीधे शब्दों में समझेंगे कि ये छोटे व्यापारियों के लिए हमेशा सरकार बहुत ज्यादा चिंतित तो रही है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सन 2006 में एक नया एक्ट आया जिसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। उसमें डिफाइन किया गया था कि भाई ये एमएसएमई कौन है, क्योंकि उससे पहले एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं थी। अभी 26 जून 2020 को ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, और अब जो पहले एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन था जिसको उद्योग आधारम बोलते थे, उसका भी नाम बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। अमित जी मैं आपको बताऊं कि एमएसएमई की खास बात तो यह है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं और जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं, वो सभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं वो एमएसएमई में नहीं है। इसके अलावा कुछ और जो डेफिनेशन है कि माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले तो ये जो डेफिनेशन थी, जब 2006 में ये एक्ट आया था, तब केवल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर के लिए, क्योंकि इक्विपमेंट बोलते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। अब ये 26 जून 2020 को डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, 1 जुलाई 2020 से ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब ये कहा गया है कि दो चीज हम देखेंगे भैया, एक तो देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी में, और एक ये भी देखेंगे कि आपकी टर्नओवर कितनी है। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक और जो टर्नओवर है किसी भी साल में 5 करोड़ तक है, तब माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक है और जो टर्नओवर है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में वो 50 करोड़ तक है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस। और अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक है और ये जो टर्नओवर है किसी फाइनेंशियल ईयर में, इसको बहुत ही विस्तृत कर दिया गया है, वो 250 करोड़ यानी 250 करोड़ तक है, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या आप सर्विस सेक्टर में, तो अब आप एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे। और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं एमएसएमई के लिए या जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फैसिलिटीज हैं, जो अनाउंसमेंट है एमएसएमई के, वो इन सभी जो एंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको उन सुविधाओं का फायदा मिलेगा। जी यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है सर। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या कोई बहुत बड़ा शॉप चला रहे हैं, मान लीजिए बेकरी शॉप है, क्रॉकरी शॉप है या हार्डवेयर शॉप है, ये लोग एक तरह से ट्रेडर हैं, क्योंकि किसी न किसी ब्रांड का मटेरियल लेते हैं और आगे इसको रीसेल करते हैं जी। ये कई बार इनका प्रश्न रहता है कि सर क्या एमएसएमई की स्कीम इस तरह के ट्रेडर्स के लिए भी है जो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट करते हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, वो किसी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज माल प्रोड्यूस करती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आते हैं। या कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ब्रांडेड कंपनी से या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है पर अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं,
पर वो आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं एक तरह से, तो क्या वो भी इसमें शामिल होते हैं? अभी जी बहुत ही आपका मैं कहूंगा कि एक ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे आपके जो यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं उनको फायदा होगा। देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर मैंडेट है एमएसएमईडी एक्ट में, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि केवल और केवल वो ही बिजनेसेस जो या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विस इंडस्ट्री में है इस एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे आपने कहा, क्योंकि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं सामान बना लूंगा, बनाकर अगर अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा तो क्या होगा उसका? जब तक वो जो कंप्लीट चेन है डिस्ट्रीब्यूशन की वो कंप्लीट नहीं होगी, तब तक जो माल है मेरा वो जो एंड यूजर है वहां तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का कहना यह है कि देखिए ये जो ट्रेडर हैं वो कॉमर्स इंडस्ट्री से गवर्न होते हैं, उनको जो रजिस्ट्रेशन लेना होता है वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वो उससे गवर्न होते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो किसी भी तरह से एमएसएमई के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जी, तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे व्यूअर्स के मन में एक कंफ्यूजन रहती है कि हम आउटसोर्सिंग करते हैं, अपने ब्रांड से मटेरियल बेचते हैं, पर वो डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो डायरेक्ट किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उस चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरह से एमएसएमई में कंसीडर नहीं होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और सर का जो यूट्यूब चैनल है स्पेशली एमएसएमई को लेकर, वहां भी सबसे ज्यादा आने वाला जो प्रश्न है वो यही है कि मैं एफएमसीजी कंपनी का सर डिस्ट्रीब्यूटर हूं या मैं आउटसोर्सिंग करके मटेरियल बनवाता हूं, तो वो किसी भी तरीके से एमएसएमई के अंतर्गत नहीं आते। सीधी परिभाषा ये कहती है कि एमएसएमई का मतलब है आप किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने वाले। फाइन सर, यही डेफिनेशन है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल कवर होती है। आपके सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में होता है उसका प्रश्न का सीधा जवाब यह है कि यदि आप वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, सृजन करते हैं, तभी आप इसमें शामिल हैं। सर, अगला प्रश्न जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं और हमारे पास क्वेश्चनेयर में, क्योंकि आज के वेबिनार के लिए जब हमने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई तो सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि एमएसएमई के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेसिकली समस्या है क्या। एक सबसे पहले जो समस्या है वो है लिक्विडिटी को लेकर, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है जो छोटे व्यापारी के लिए है वो बिलिंग को लेकर है। कई व्यापारी ऐसे देखे गए हैं जिनकी टर्नओवर तो सपोज 2 करोड़ रुपए है लेकिन कच्चे में काम होता है, पक्के में अगर देखा जाए तो 20-25 लाख की टर्नओवर होती है। कई बार बड़े व्यापारी के साथ भी ऐसा है कि फाइनेंशियल टर्नओवर जो उनकी है वो 250 करोड़ की है, पर अगर बेनिफिट लेने के लिए जाते हैं तो उनकी टर्नओवर करीब करीब 5 करोड़ की है। तो वो किस क्या इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है और कैसे ये आइडेंटिफाई हो कि वास्तविकता में वो इसी ग्रुप में लाई करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है अमित जी। मैं आपको बताऊं, एक मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल देता हूं। ये जो कच्चे पक्के की आपने बात की, यहां पर मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेनर्स हैं, एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं, उनको अगर मैं एक गुरु मंत्र कोई देना चाहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया ये कच्चे पक्के को अपने दिमाग से निकाल दो। हमारी ग्रोथ तभी है जब हम अपना बिजनेस पूरी एथिक्स के साथ करते हैं, जो भी टैक्सेस हैं उसका पेमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हम ये कच्चे पक्के का सिस्टम रखेंगे, जब हम बैंक जाते हैं, बैंक तो हमारी कच्चे पक्के की टर्नओवर हो सकता है सब मिला के 20 करोड़ हो, जब हम बैंक जाते हैं तो वो तो केवल ये देखते हैं कि भैया आप दिखाओ बैंक में आपका कितना ट्रांजेक्शन हुआ। बैंक में हम कहते हैं साहब ये तो हमारा बैंक के थ्रू तो हमारा 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। कोई ऐसा जादू नहीं है अमित जी कि वो जो बैंक है वो ये लिख सकें कि हाँ जी इनका ट्रांजेक्शन तो 2 करोड़ का है, बाकी ये कैश में डील करते हैं, क्योंकि वो तो फिर हम 200 करोड़ भी कह सकते हैं अगर हम कच्चे पक्के में करें। मैं जब भी कभी बात करता हूँ एमएसएमई से, और कभी कभी जब वो कहते हैं कि हाँ हमारी टर्नओवर कच्चे में, मैं बोलता हूँ मेरा कान कुछ ऐसे हैं कि इसको कच्चा सुनाई नहीं देता भाई साहब जी, मेरे कान में कुछ डिफेक्ट है। ये जब भी आप कच्चा बोलते हो ना तो मेरा कान कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये मेरे कान का डिफेक्ट, भगवान ने शायद कुछ ऐसा बनाया है कि मुझे कच्चा वर्ड सुनाई नहीं देता। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ ये कच्चा मेरे सामने आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा। बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने कही है मुकेश जी। ये बात रही जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, पर जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं ना, तो कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है, मैं सिंगल व्यापारी ऐसा नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो ये चाहता हो कि मैं कच्चा और पक्का करूं। लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जब वो मार्केट में ट्रेड करने जाता है और उसका बायर कहता है कि मुझे तो मार्केट में बिना बिल के मटेरियल मिल रहा है, मैं तो आपको कैश में पेमेंट कर दूंगा और टैक्स भी नहीं दूंगा। फाइन, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स 18% है, किसी पर 28% है, किसी पर 12% है, और कई जगह पर यह देखा गया है कि प्रोडक्ट जो है एंड यूजर के हाथ में जाना है और एंड यूजर को उस टैक्स का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो एंड यूजर तो ये प्रयास करता है कि मुझे बिना बिल के मिल जाए।
जब हम एक विजन को लेकर चल रहे हैं कि ठीक है मैं देश का एक सच्चा देशभक्त हूं और मैं देश के प्रति अपना समर्थन देते हुए कहता हूं कि मैं बिलिंग में काम करूंगा, पर मेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी, मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, मेरा मटेरियल सेल नहीं होगा, तो मैं कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाऊंगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है ग्राउंड लेवल पर। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर बोलें, एमएसएमई लेवल पर बोलें, तो हम भी ये कहते हैं कि सच्चा देशभक्त वही है जो बिलिंग में काम करता है। रियलिटी की प्रॉब्लम ये, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, कुछ एक ऐसी स्कीम्स आप बताएं जिसको आसानी से अवेल किया जा सके। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें बड़े डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, बड़े प्रोजेक्ट फाइलिंग बनानी होती है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो ये सारे काम करने में असमर्थ है। उसको चाहिए एक ऐसा सोल्यूशन जहां पर वो छोटी छोटी चीजों को कर पाए। लाइक उसको थोड़ी सी कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, लाइक उसको कोई मशीनरी परचेज करनी है, फाइन, तो वो कैसे मैनेज कर सके और कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट के अलावा रियल में सपोर्ट भी करती है। अमित जी, मैं आपके ना ये दो सवाल हो गए आपके। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही, प्रैक्टिकल एक आस्पेक्ट आपने कहा कि आपको लगता है कि जब हम मान लो मैं भी एक फर्नीचर खरीदने जाऊं तो अपने घर के लिए, तो मुझे भी लगेगा कि यार ये 18% का आप जीएसटी मुझसे चार्ज कर रहे हो, छोड़ो मुझे कहाँ इसको अपनी बुक्स में कहीं नहीं दिखाना है। मैं एक ज्वेलरी खरीदने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अरे मुझे तो घर पे रखनी है ये ज्वेलरी, तो मुझे इसको कहीं बेचना नहीं है, मुझे इस टैक्स का कोई फायदा नहीं होगा, तो आप मुझे ये बिना बिल के दे दीजिएगा। ये जो आप समस्या का जिक्र कर रहे हैं, ये देशभक्ति की तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बिजनेसेस ग्रो करना चाहते हैं, जो बिजनेसेस चाहते हैं कि वो ग्लोबल हो जाएं, जो बिजनेस चाहते हैं कि ग्लोबल के साथ साथ वो इंटरनेशनल भी हो जाएं, उनको यहाँ थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि देखिए मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं, अब मैं आपको बिल के बिना कोई भी सामान ना बेच सकता हूँ ना कोई सर्विस दे सकता हूँ। मैं आपको अमित जी एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ज्वेलर है, ज्वेलर में मैंने कहा कि भाई अधिकतर आदमी चाहते हैं कि भाई एंड यूज है, मुझे मुझे कुछ करना नहीं है, कोई जीएसटी का इनपुट नहीं लेना है, तो मैं इसमें आपको टैक्स क्यों दूं, मुझे बिना बिल के मिल जाए। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं ज्वेलरी में, आप उनसे एक रुपए का सामान लेके दिखाइएगा बिना बिल के, लेकिन फिर भी जो उनकी टर्नओवर है हजारों करोड़ रुपए में, उन्होंने अपने आप को लिस्ट कर लिया है पब्लिक स्टॉक एक्सचेंजेस पर। क्या जो छोटे जो व्यापारी हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम बिना बिल के दे देंगे, वो उतना आगे बढ़ पाए? जो और भी जो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, मान लो घड़ियां हैं, पेंस हैं, आप उन दुकानों पर जाइए, आप कोशिश कर लीजिए जितनी आप चाहें, आप उनसे कहिए कि भैया मुझे आप बिना बिल के दे दीजिए, मैंने भी खुद अजमाया है, आपने भी खुद अजमाया होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता एक रुपए का भी बिना बिल का। वाह बिल्कुल, ये बहुत ठीक बात आपने कही है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि देशभक्ति के साथ साथ आपको देश की भक्ति भी करनी है, देश के लिए भी करना है, और अपने लिए भी अगर करना है, आप अपना भी सेल्फिश भी अगर हैं, आप ग्रोथ तभी कर पाएंगे जब आप सब कुछ शुरू से। और देखिए ऐसा नहीं होता कि हम सोचे कि पहले तो हम कच्चा पक्का करके थोड़ा कर लें और उसके बाद जब एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तब हम पक्का पक्का करेंगे, आप उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो रिलायंस हो या वो टाटा हो या कोई और भी बड़ा ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको दो चीज चाहिए, एक उनको चाहिए डेट और एक उनको चाहिए इक्विटी। ये दोनों उनको तभी मिल सकते हैं अमित जी जब उनकी बुक्स अप टू डेट ऐसी होंगी कि वहां टर्नओवर भी होगा, वहां प्रॉफिट भी होगा, वहां ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म का बिजनेसमैन बनना है तो ये बिल्कुल पहले दिन से, क्योंकि आप पहले दिन से अगर काम ठीक करेंगे तब जब आपकी ड्यू डिलीजेंस करेगा, जब पब्लिक इशू के लिए आप आएंगे, जब बैंक आपकी ड्यू डिलीजेंस करेगा, वो देखेगा कि जो अकाउंट्स हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ टैक्स पेड है, जितना वो सेल बता रहे हैं उतनी सारी बैंक में जमा है, तो मैं समझता हूं कि ना बैंक पीछे हटेंगे आपको लोन देने के लिए, और ना जो जैसे अभी एक एसएमई एक्सचेंज भी है, पब्लिक इशू भी ला सकते हैं आप अपना, तो इक्विटी भी ला सकते हैं, वहां पर भी आपको शायद कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी सर, इसी सवाल का जवाब मैं एज अपने बिजनेस कोच जब मैं ऑन द स्टेज होता हूं तो बहुत सारी ऑडियंस से ये सवाल आता है कि सर कच्चे पक्के का, तो मैं जरा इसको एक मोटिवेशनल वे में इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं उनको समझाता हूं हमेशा कि मुझे एक बात बताइए, ये ह्यूमन टेंडेंसी और माइंडसेट है, जब आप कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं ना तो आप कभी ये प्रश्न नहीं रखते होंगे उनके सामने कि सर मैं इतना कैश दे देता हूं और इसको बिना बिल के दे दीजिए। आप जब किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदते हैं तब भी आप इसी टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो व्यापार की बात रही, आज ना लोग मतलब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए भी ना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देखते हैं कहां पर स्ट्रिक्ट है और कहां पर मतलब लूज है। जैसे अगर आप, मैं कहूं कि अगर कोई चांदनी चौक, सदर बाजार ऐसी भीड़ इलाके वाले जगह में है तो रेड लाइट भी आसानी से जंप कर जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब विधानसभा एरिया में जाता है
जब एम्बेसी एरिया में जाता है तो उसको पता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से भी मुझे पीछे रहना है। मतलब हम लोग वही हैं, हमारा माइंडसेट डिफरेंट है, हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ठीक इस तरह से यदि व्यापारी वर्ग अपनी बिलिंग को 100% वाइट में करता है, प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉलो करता है, तो वो अपनी वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर भी, टर्नओवर को रियल में शो भी कर पाएगा, और जब आप टर्नओवर शो कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट भी आप स्कीम्स के माध्यम से गवर्नमेंट से ले पाएंगे, तभी आपकी एक्चुअल वर्थ भी पता लगेगी। आज एक व्यापारी, छोटा व्यापारी लोन क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू सपोज 10 करोड़ और ITR फाइल करता है वो 50 लाख, और जब लोन लेने जाता है तो 50 लाख के हिसाब से उसको 10 लाख ऑफर होता है, वो कहता है 10 लाख तो मेरे पेटी कैश में पड़े हुए हैं, उसके लिए वो कभी भी वर्थफुल होता ही नहीं है। जबकि एक स्मार्ट बिजनेसमैन अगर 10 करोड़ का टर्नओवर करता है तो वो कोशिश करेगा कि एटलीस्ट 10 करोड़, वरना 15-20 करोड़ भी हो जाए तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरी मार्केट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा बड़ी हो। यही एक डिफरेंशिएशन है एक इंडस्ट्रियलिस्ट में, उसकी मार्केट वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से कहीं गुना ज्यादा होती है जी। और एक सामान्य व्यापारी की बात क्या होती है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से बहुत छोटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी होती है और मार्केट में जो पेपर वैल्यू है बहुत कम होती है। सर ये तो एक बात रही कि हमने समझाया व्यापारी वर्ग को कि वो किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, और बनाने का प्रयास जब लगातार करते जाएंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका लाभ एक बहुत छोटे या मध्यम वर्गीय व्यापारी जो है, जो बहुत छोटी इंडस्ट्री, मान लीजिए वन मैन शो चला रहा है, वन मैन फैक्ट्री चला रहा है, तो वो किस तरह से ले सकता है और कौन सी ऐसी स्कीम्स। तो मैं अमित जी खास खास कुछ स्कीम बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो जो जिन स्कीम का फायदा ले सकते हैं, और सरकार ने भी यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने भी थोड़ा डिफरेंशिएशन किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए MSME एक्ट तो है, लेकिन हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कुछ खास स्कीम भैया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो छोटे जो व्यापारी हैं उनको शायद ये मदद की ज्यादा जरूरत है। तो दो तरह की स्कीम्स हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने भी कहा कि आप किसी भी MSME से या स्टार्टअप से बात कीजिए, उनकी पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि साहब मुझे लोन कैसे मिलेगा। शायद आपके चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी अगर मैं देखूं 100 कमेंट्स में से शायद 90 कमेंट्स तो यही होते हैं कि भैया मुकेश जी लोन दिलवा दीजिए, लोन तो आप दिलवाते नहीं हो। तो मैं लोन से संबंधित जो स्कीम है खास खास वो मैं आपको बताता हूँ, और खास तौर से छोटे व्यापारियों के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जी। ये जो CGTMSE है ये स्कीम है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके सामने दिक्कत ये होती है कि मैं कोई व्यापार कर रहा हूं, मैं जब बैंक जाता हूं तो बैंक सबसे पहले पूछता है कि अच्छा लाओ भैया कोलेटरल सिक्योरिटी क्या लाओगे, घर दुकान मकान क्या है, क्या दोगे। अब मैं कहता हूं कि साहब जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, वो तो देते नहीं है सिक्योरिटी, उन्होंने तो कहा है कि भैया तुम कर लो, या उन्होंने कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं वो उन्होंने वहां सिक्योरिटी दे रही है, मैं तो अपने पैरों पर साफ खड़ा होकर दिखाना चाहता हूं दुनिया को, तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, अगर मेरा प्रोजेक्ट आपको वायबल लगता है तो आप मुझे ये लोन दे दीजिएगा। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको कोलेटरल फ्री लोन देंगे 2 करोड़ रुपए तक। ये CGTMSE जो स्कीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो नए व्यापारी हैं वो भी लोन ले सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग है वो भी लोन ले सकते हैं 2 करोड़ रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं आपको एक या दो ऐसी स्कीम बताता हूं। अब लोन के लिए तो हमने कह दिया, तो अधिकतर एक सवाल शायद आपके पास भी आता होगा, अरे साहब ये बैंक वैंक नए लोगों को कोई लोन नहीं देते हैं, ये सब पुराने लोगों को ही देते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं अमित जी खास तौर से आपके व्यूअर्स के लिए कि सरकार ने तो भैया कुछ स्कीम ऐसी भी बना रखी है जहां उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर तो लोन ले ही नहीं सकते, केवल जो नए लोग हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तभी आप लोन ले सकते हैं। एक स्कीम मैं आपको बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी एक लोन की स्कीम है। सरकार ने कहा कि भैया ये छोटे व्यापारी हैं, यही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यहां पर उन्होंने कहा कि आप लोन भी ले लीजिएगा और सब्सिडी भी ले लीजिएगा, लेकिन भैया ये आपका नया प्रोजेक्ट होना चाहिए केवल, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं तब 25 लाख रुपीज तक यानी 25 लाख रुपए तक, और आप सर्विस सेक्टर में करना चाहते हैं तो उनको लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, तब 10 लाख तक आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तब आप इसमें लोन ले सकते हैं। और डिटेल्स तो बहुत हैं, पर शॉर्ट में मैं आपको यही बता सकता हूं कि 35% तक की सब्सिडी भी यहां मिल जाती है, और अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं इस PMEGP का लोन लेने के बाद तब अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, और 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट भी इसमें कवर हो जाता है। एक और
स्कीम है जो वो भी केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक अपना कोई भी बिजनेस अभी तक नहीं किया है। नए बिजनेस इसके लिए एक स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम है, उसमें भी लोन मिल सकता है। वो जो लोन है वो खास तौर से एससी एसटी एंटरप्रेनर्स हैं उनके लिए, या जो विमेन एंटरप्रेनर हैं उन्हीं के लिए है। ये लोन आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। और अमित जी, खास बात इसकी ये है कि भारत सरकार ने हर बैंक की हर ब्रांच को ये बोल रखा है कि देखिए आप एक लोन तो करिएगा हर ब्रांच से एससी एसटी कैटेगरी में, और एक लोन आप करिएगा विमेन एंटरप्रेनर्स के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जो सरकार ने केवल नए एंटरप्रेनर्स के लिए अनाउंस कर रखी है। इसके अलावा मुद्रा लोन है, अगर हम छोटे लोगों की बात करें, जहां पर 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। सबसे पहले कहा कि भाई आप छोटे हो, अभी छोटे बच्चे हो, आप शिशु हो, लीजिए आप 50,000 रुपए तक का लोन लेके कुछ शुरू तो करिएगा। अब आप उसके बाद थोड़े बड़े हो गए, किशोर हो गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले लीजिएगा। और आप और बड़े हो गए, तरुण हो गए, तब मुद्रा स्कीम में आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो ये कुछ लोन स्कीम है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है इन एमएसएमईस की, वो ये कहते हैं जब ये बैंक जाते हैं ना, ये मैं जरूर आपको के थ्रू जरूर आपके जो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, एक ये भी एक गुरु मंत्र में देना चाहूंगा। हमारे से भी जब बात करते हैं लोग कहते हैं अरे साहब गुप्ता जी क्या आप बोलते रहते हो, लोन मिल रहा है, लोन मिल रहा है। और जैसे आपने भी कहा कि भाई वो स्कीम बताइए जो धरातल पर मौजूद हो, खाली पेपर में ना हो। जी अमित जी, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मैं एक किसी ब्रांच में गया और मैंने कहा कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए, तो ब्रांच मैनेजर की हमें मनोदशा समझनी होगी। वो हो सकता है उस टाइम कहीं ऑडिट में बिजी हो सकता है उसका जो असिस्टेंट है वो 4 दिन की छुट्टी पे हो सकता है वो किसी और प्रॉब्लम में बिजी हो सकता है उसके यहाँ कोई ऑडिटर आए हुए हो, 10 तरह के ऑडिट होते हैं बैंक में। उसने कहा कि भाई साहब अभी नहीं, आप ना 1 हफ्ते बाद आना, अभी तो मेरा ऑडिट चल रहा है, आप 1 हफ्ते बाद गए। उसने कहा कि नहीं नहीं आज मेरा क्रेडिट मैनेजर नहीं है जी, आप अभी आप 15 दिन बाद आना। फिर गए, उसने कहा भैया अभी तो क्लोजिंग चल रही है, अभी मत आना। आप 3 महीने तक चक्कर काटते रहे तो या तो हम खुद थक जाएंगे कि भैया इसको करना नहीं है, या जब हम दोबारा जाएंगे कि साहब 3 महीने हो गए, तब पता चलेगा ब्रांच मैनेजर चेंज हो गए। उन्होंने कहा आप तो मेरे पास अभी तक 1 बार भी नहीं आए भैया। या उसके पास अगर आप चक्कर काट रहे हैं 3 महीने से, जब आप उससे थोड़ा लड़ने की कोशिश करेंगे कि साहब 3 महीने हो गए मुझे आपके चक्कर काटते हुए, आपने अभी तक मुझे कुछ, वो कहेगा कहाँ 3 महीने बैठा, अभी तो आए थे आप पिछले हफ्ते, उससे पहले कहाँ आए। तो मेरी एक सलाह बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अब आप लोन को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक तो स्टैंड अप मित्रा करके एक वेबसाइट है, वहां जाके कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स हैं वो पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट की एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और एक इन प्रिंसिपल सेंक्शन लेटर भी मिल जाता है 59 मिनट में। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी की वेबसाइट पर आप जाइए, वहां आप सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन लोन अप्लाई, और वहां हर बैंक ने अब ये सिस्टम कर दिया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोन को। आप वहां फॉर्म भर दीजिए, इससे ये होगा कम से कम आपका एक लॉगिन तो हो गया, कम से कम उनके रिकॉर्ड में चला गया कि आपने इस दिन अपनी एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद हम लड़ सकते हैं, हम आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हम उनके हेड ऑफिस में बात कर सकते हैं कि देखिए साहब हमने इस दिन अप्लाई किया था और अभी तक हमारा कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। जी, तो एक ऑनलाइन अप्लाई लोन जरूर करना चाहिए। ऑनलाइन लोन अप्लाई करेंगे तो आपका एक रिकॉर्ड रहेगा, उनको पता रहेगा कि आपने ये लोन अप्लाई किया है। उसके बाद ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट मांगे आप उनको दीजिएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, जो आपकी जो एथिक्स हैं, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो एमएसएमई की जो आपने समस्या की बात करी थी, अगर मैं देखो तो उनको समस्या क्या है ज्यादा, और वो सारी समस्या दूर हो सकती हैं अगर आप इन चीजों का पालन करें, यानी ऑनलाइन आप अप्लाई करें, जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर रहें। अवेयर आप ऐसे रह सकते हैं कि अमित सर का जो यूट्यूब चैनल है वो देखते रहिए, वहां पर वो सभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ एमएसएमई हेल्पलाइन पर लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है उनके बारे में बताने के लिए। लेकिन जो एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीजें अवेलेबल है। जी, दूसरा उनको एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस नहीं मिलता एट कॉम्पिटिटिव रेट, और उसका रीजन यही है कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अधिकतर ये कच्चे पक्के में घूमती रहती है।
कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है उसका मैंने समाधान बता दिया, इक्विटी की प्रॉब्लम होती है उसका भी शायद समाधान यही है कि आप अपनी बुक्स ठीक रखिए, आपको शायद एसएमई एक्सचेंज में लिस्टिंग होने का भी फायदा मिल सकता है। टेक्नोलॉजिकली हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, खासतौर से हमने देखा कि कोविड के समय में जो लोग टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर पाए, जो डिजिटली लिटरेट हो पाए, जिसके लिए आप मैं समझता हूं कि एक महागुरु के रूप में काम कर रहे हैं, तो जो आपकी शरण में है डिजिटली वो अपडेट हो गए, अपग्रेड हो गए, उन्होंने डिजिटली अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, जो सोशल मीडिया है उनका फायदा ले लिया, आपके शागिर्द बन गए, मैं समझता हूं कि वो जरूर इन कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कुछ सरकार की स्कीम, इसके अलावा कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्कीम है, आप अपना कुछ और क्वेश्चन मुझसे पूछिए फिर मैं आपको रिजर्व बैंक की कुछ स्कीम के बारे में भी बता सकता हूँ। मैं सर मैं भी ग्राउंड रियलिटी पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर भी जब कमेंट करते हैं कि सर हमने आपने एक लोन का वीडियो डाला है, आपने एमएसएमई स्कीम का वीडियो डाला है, हालांकि वो मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका एक विशेष सब्जेक्ट है, और जो इन मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड अभी आपने बताया कि बैंक में जाते हैं इंटरव्यू कैसे होता है, उससे रिलेटेड मैंने आपका एक बहुत प्यारा वीडियो देखा कि जहां पर आप एज ए अपना प्रोजेक्ट लेकर बार बार बैंक में जाते हैं और वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को, और फिर आपने बताया कि भाई उसके ये स्टेप्स हैं, ये गलतियां व्यापारी करता है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक व्यापारी की और भी होती है, स्कीम का नाम सुनकर उसकी महत्वाकांक्षा तो बहुत होती है लोन लेने के लिए, लेकिन उसको कुछ बेसिक चीजों का भी ज्ञान नहीं है। लाइक उसने वो 15 साल से 20 साल से 25 साल से 30 साल से व्यापार कर रहा है पर उसने कभी अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसने शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपनी शॉप को नहीं स्थापित किया हुआ, या अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका लाइसेंस नहीं लिया हुआ, फाइन। इसके अलावा वो आज तक उसने आईटीआर, कई बार कहते सर लोन चाहिए, मतलब ज्यादातर मैं स्टूडेंट्स को सुनता हूँ कई बार तो, या क्वेरीज को मैं सुनता हूँ रिकॉर्डेड, तो वो कहते हैं सर लोन चाहिए, उनसे पूछते हैं आपके पास आईटीआर कितनी, कहते हैं आईटीआर क्या होता है, मैंने कहा इसीलिए आपको बैंक मना कर देता है कि आपके लिए लोन नहीं है, क्योंकि आप अपनी जनरल चीजों से अवेयर नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा मेंटेन नहीं करते, आप अपनी बुक्स को मेंटेन नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत नॉमिनल या फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंसिंग दी हुई है वो आप नहीं करते, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का आता है वो आप नहीं निकालते पहले, और आप चाहते हैं कि आप अभी के अभी लेटर निकालें और अभी के अभी लोन सीधा, एक्चुअली हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सिंगल बटन दबाऊं और पेटीएम की तरह या एटीएम की तरह मेरे पास कैश हाथ में आ जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने अपने आप में जो कमी है ना उसको देखते नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं करते, और दूसरी बात जो सही मार्गदर्शक है ना, एक बहुत बड़ा दुविधा एक ये भी है कि अगर आप कॉमेडी चैनल्स देखेंगे ना सर तो उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर मिलेंगे, एक वीडियो डालते ही एक दिन में 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ व्यू हो जाते हैं, लेकिन जहां पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बेस्ट ट्यूटर्स हैं जो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन पर ट्रेनिंग देते हैं, आप स्पेशलाइज्ड एमएसएमई पर देते हैं, हम लोग बिजनेस कोचिंग देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग देते हैं, तो वो चैनल इतने तेजी से ग्रो नहीं कर रहे जितने वो कॉमेडी या एक गलत प्रारूप जो मार्केट में बनाए रखते हैं, एंटरटेनिंग अनवांटेड चीजों की प्रमोशन ज्यादा है। लेकिन व्यापारी वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप व्यापार से संबंधित किसी भी वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं तो उसका लाभ सामने वाला व्यक्ति जब लेना चाहता है या लेता है तो आपका भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जब हम प्रश्न तभी पैदा होते हैं जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं, है ना, तो लोगों से डिस्कस करने का तरीका क्या है, यदि आपने किसी वीडियो को देखा है तो उसको शेयर करें, शेयर करेंगे तो वो व्यक्ति अपने विचार से संबंधित आपके सामने रखेगा, और जब विचार सामने रखेगा तो आपके पास भी नए सवाल होंगे और एक कम्युनिटी इस तरह की बन जाएगी जहां व्यापार के बारे में एक दूसरे से जान पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपना विस्तार कर पाएंगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, मैंने भी आपको बताया आपका मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर बैंक को लोन लेने अगर जाते हैं तो इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं और कैसे बैंक बार बार आपको निग्लेक्ट कर देता है, वहां से एक तरह से इग्नोर कर देता है, और फिर आपने बताया था उसमें कि किस तरह से राइट प्रोसेस है किसी बैंक को अप्रोच करने का। एक प्रॉब्लम और है कि बहुत सारे लोगों, क्योंकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है ही नहीं कि जहां पर प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे व्यापार कैसे करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि कॉमर्स में हम काम कैसे करते हैं, बिजनेस में काम कैसे करना है, वाणिज्य कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है। एक उनको सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये भी नहीं पता है बहुत लोगों को कि एमएसएमई और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है, तो ये बात एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न मैं एक साथ ही बोलता हूँ दोनों प्रश्न, पहला तो ये कि एमएसएमई और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है, दूसरा प्रश्न जो है कि एक छोटा व्यापारी जब वो काम करता है और किसी को मटेरियल भेजता है तो कई बार उसकी पेमेंट डूब जाती है या उसकी पेमेंट रिकवर नहीं हो पाती। सपोज किसी बायर ने कहा मैं 3 महीने में आपको पेमेंट दूंगा लेकिन वो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई, वो टाल रहा है, बार बार टाले जा रहा है, या एक समय ऐसा आया उसने कहा कि जब होंगे तब दे दूंगा, इसका मतलब ही ये ना कभी होने और ना मुझे कभी देने हैं। तो
एक एमएसएमई, एक छोटा व्यापारी, एक लघु उद्योग चलाने वाला व्यक्ति कैसे अपने पैसे को सिक्योर कर सकता है? क्या सरकार के पास इस तरह का भी कोई प्रावधान है जहां पर उसका जो क्रेडिट है वो सेफ एंड सिक्योर्ड हो जाए? बिल्कुल अमित जी, मैं मतलब आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है कि आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल इतने प्रैक्टिकल हैं। हम लोग हर अपने चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में हर महीने एक मीटिंग करते हैं मेंबर्स के साथ। वो कल हमारी एक मीटिंग थी और अधिकतर मेंबर्स का जो क्वेश्चन था वो यही था जो आपने पूछ लिया है उनके बिहाफ पर जी, कि अपना माल बेच दिया, सर्विसेज दे दी, उसके बाद अटके पड़े हैं पेमेंट के लिए, पेमेंट नहीं हो रहा। और लार्ज कॉर्पोरेट से ही नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी ये जो पेमेंट है ये आने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। एमएसएमईडी एक्ट इसका एक सॉल्यूशन देता है। एक्ट में ये प्रोविजन है कि देखिए, अगर आप किसी भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, यहां भी उन्होंने थोड़ा डिफरेंशिएशन कर दिया है, मीडियम को इसमें कवर नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और अब नई डेफिनेशन से काफी विस्तृत हो गया है जो उनका काफी बड़ी तादाद में जो यूनिट्स हैं वो आ गई हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट अगर इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई सामान खरीदती है या कोई सर्विसेज लेती है तो उसका पेमेंट उनको 45 डेज में करना होगा। और भैया अगर 45 दिन में नहीं करते तो कहां जाएं साहब हम जी। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हर स्टेट में एक तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बना देते हैं। आप वहां अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। हम कहते हैं चलिए हमने वहां सबमिट भी कर दी, वहां टाइम लगता है उतना पीरियड। उन्होंने कहा एक चीज और हम करते हैं, आपको 45 डेज के बाद का जो भी पीरियड होगा जब आपको पेमेंट मिल रहा है उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा। तो हमने कहा भाई साहब ब्याज की कैलकुलेशन कौन करेगा, कोई कहेगा 1% दे दो, कोई 2%, कोई 5%, तो वो भी एक्ट में प्रोवाइड कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 times ऑफ बैंक रेट। ये बैंक रेट मतलब बैंक इंटरेस्ट की बात नहीं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आजकल 4.5-5% के करीब चलता है, 3 times ऑफ वो, यानी 15-18% के बीच में आप मान के चलिए। और ये मंथली कंपाउंडेड मिलेगा, हर महीने आप उसका कंपाउंडिंग करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा एक मदद है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को एमएसएमईडी एक्ट के अंतर्गत। और एक चीज और है उन्होंने यहां पर, मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हमने आपस में टर्म्स तय कर ली, कई बार क्या होता है एमएससी कहती है कि भाई साहब जो हमारा जो बायर है वो तो पहले ही कह देता है कि भैया मैं आपको पेमेंट ना 6 महीने में करूंगा, आप तैयार हो तो बताओ। तो मैं कहता हूं भाई मेरी तो मजबूरी है, क्या करूं। मैं कहता हूं सर ठीक है आप 6 महीने में कर देना, लेकिन एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप कर लो कोई भी टर्म्स डिसाइड आपस में, लेकिन 45 डेज के बाद का जो पीरियड होगा अगर आपकी टर्म्स कोई बात की भी आपने डिसाइड कर ली है तब भी ले तो लीजिए आप पेमेंट चलिए 6 महीने में, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपके बायर को अगर आप एक एमएससी हैं 45 डेज के बाद के पीरियड का। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक फॉर्म लॉन्च कर दिया है जहां उन्होंने कहा है कि हर कंपनी को एक फॉर्म हर 6 महीने फाइल करना पड़ेगा कि भैया बताइए आपने अगर किसी एमएससी से माल खरीदा है तो कौन कौन सी वो एमएससी है जिनसे आपने 45 डेज से ज्यादा का अभी आउटस्टैंडिंग है, क्या रीजन है उनका, कितना अमाउंट है, ये सबमिट करना होता है। तो मैं समझता हूँ ये समाधान एक पोर्टल है, वहां पर जाकर जो एमएससीज हैं अगर अपना डिले पेमेंट है तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। हम लोग भी उसमें काफी मदद करते रहते हैं हमेशा। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक दो जो बहुत और खास स्कीम है इसी से रिलेटेड अमित जी उनको बता दूं। एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, सरकार ने कहा है कि भाई जो छोटी यूनिट है वो कहते हैं साहब ठीक है पेमेंट तो डिले पेमेंट तो ले लेंगे पर माल किसको बेचें, हमने तो माल बना लिया अभी तो बेचने की समस्या आ रही है। तो सरकार ने कहा कि हम है ना हम खरीदेंगे आपसे। उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी सीपीएससीज हैं और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यानी सेंट्रल जो पीएसयूज आप समझ लीजिएगा या जितने भी गवर्नमेंट हैं वो जब भी कोई सामान खरीदेंगे या कोई सर्विसेज लेंगे उसका 25% कंपल्सरीली मैंडेटरीली उनको इन एमएससी से ही खरीदना पड़ेगा। अब एमएससी ने कहा कि साहब एक चीज और है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाती है तो हम कई बार क्या होता है कि हम अपना जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा कोट कर देते हैं, इस चक्कर में तो हम बाहर हो जाते हैं, हम L1 में आते नहीं। तो सरकार ने कह दिया कि भैया कोई बात नहीं, अगर आप 15% तक की आपका जो कॉस्ट आपने जो प्राइस आपने कोट किए हैं अपने टेंडर में अगर वो L1 से 15% तक भी ज्यादा है तब भी आपको मौका दिया जाएगा। बस ये तो बात जरूर है कि देखो भैया ये सरकार है, महंगा खरीदेंगे तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, पब्लिक है, हम आपको बुलाएंगे, आपसे कहेंगे कि साहब देखिए हमें ये L1
आपने 115 का अगर कोट किया है, हमारे पास 100 रुपए का एक ऑफर है, तो अगर आप भी 100 रुपए में सप्लाई कर सकते हैं तो हम आपसे ये सामान खरीद लेंगे। आपको ना कोई टेंडर डॉक्यूमेंट का पैसा देना है, ना आपको अर्नेस मनी डिपॉजिट देनी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है जहां सरकार खरीद रही है सामान इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जी। और दूसरा आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था अमित जी, शायद मैं उसको स्टार्टअप में और एमएसएमई में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है और बहुत ही सारे लोगों का ये जिज्ञासा है कि भैया स्टार्टअप और एमएसएमई में जरा फर्क क्या है ये बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसएमई तो वो है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में है, इसके लिए कोई ऐसा डेफिनेशन में नहीं है कि आप प्रोपरेटरशिप में करना है, पार्टनरशिप में करना है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, LLP, OPC, ट्रस्ट, सोसाइटी, आप किसी भी रूप में अपना बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टअप में जो एक डिफरेंस है वो ये है, वहां पर आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, OPC, LLP या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के रूप में ही अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। यहां मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों कवर हैं एमएसएमई के अंतर्गत, लेकिन स्टार्टअप में उन्होंने कहा कि हमें भैया ना मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है ना सर्विस सेक्टर से मतलब है। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कोई जो प्रोडक्ट है या जो कोई सर्विसेज हैं उसमें आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में या उनके प्रोसेसेस में। यानी प्रोडक्ट पहले से है लेकिन आप कहते हैं कि देखिए ये जो प्रोसेस था वो बहुत लेंथी था, मैं कोई नया अच्छा इनोवेटिव प्रोसेस ले आया, तब आप स्टार्टअप में कवर हो सकते हैं। एक चीज और, एमएसएमई की तो मैंने आपको बताई डेफिनेशन कि भैया मैक्सिमम 250 करोड़ तक आप उसमें कवर हो सकते हैं। स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहा कि देखिए आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप में हम उन्हीं लोगों को रजिस्टर करेंगे जिनकी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, और क्योंकि स्टार्टअप है तो उन्होंने कहा कि भाई शुरुआत वाले जो एंटरप्रेनर्स हैं वो इसमें कवर होने चाहिए। तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है और जो आपकी एप्लीकेशन की डेट होगी यहाँ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की, वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी जिस दिन आप अप्लाई करें स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी जो कंपनी का या जो फर्म जो रजिस्टर्ड है उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप के जो बेनिफिट्स हैं अमित जी वो कुछ अलग हैं। जैसे स्टार्टअप में उन्होंने कहा कि भाई देखिए कुछ लेबर लॉज हैं, आपको बहुत परेशानी होती है कि जब देखो सब मुंह उठा के कोई भी आ जाता है इंस्पेक्टर आपका इंस्पेक्शन करने के लिए, उनको हम नहीं आने देंगे। आप कहते हैं बार बार साहब मैं कहां से सर्टिफाई कराऊं, कभी कहते हो गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के लाओ, कभी कहते हो नोटरी से करा के लाओ। उन्होंने कहा चलिए 6 लेबर लॉज हैं, पॉल्यूशन एक्ट हैं, उनमें आप खुद सर्टिफाई कर दीजिएगा, हम आपके उन्हीं को मान लेंगे। फंड ऑफ फंड की भी प्रोविजन है स्टार्टअप के लिए, कुछ टैक्स बेनिफिट भी है स्टार्टअप के लिए जो शायद एमएसएमई में नहीं है जी। एक सर प्रश्न एमएसएमई को लेकर और भी है, ये तो बात रही उस एंटरप्राइज की जो एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस सेटअप कर लिया है। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट का एक प्लान है, अब उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज तो मेरी मॉड्यूलर किचन की इंडस्ट्री है, लेकिन मान लीजिए एक समय ऐसा था जब मेरे माइंड के अंदर वो प्लान था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना है मॉड्यूलर किचन का, और मॉड्यूलर किचन जो है वो एक वायबल प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि आज सरकार के जितने भी फ्लैट्स बनते हैं, विलोज विलास बनते हैं, फार्म हाउसेस बनते हैं, जितने भी बंगलोज बनाती है गवर्नमेंट, उन सब में भी मॉड्यूलर किचन लगते हैं। ये पता है कि एक प्रूव्ड बिजनेस है। अब मेरे माइंड में उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग भी है। अब एक पर्सन जो सेटअप को लगाना चाहता है, मतलब उसका पिछला कोई पास्ट ट्रैक नहीं है, आज उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो अपना सेटअप लगाना चाहता है, तो उसके लिए वो प्लानिंग कैसे करे और कैसे वो लोन ले पाए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस उसके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमित जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है जो आपने कहा कि ये वायबल प्रोजेक्ट है, मैं इसमें थोड़ा आपसे डिफर करना चाहूंगा। प्लीज, मैं डिफर इसलिए करना चाहूंगा, देखिए क्या होता है कि एक जब यूनिट कोई लगती है, उन्हीं यूनिट्स लगने में कुछ यूनिट खराब हो जाती हैं जी, कुछ यूनिट सिक हो जाती हैं। उन सिक यूनिट को बैंक फिर कहता है कि भैया कोई खरीदार है तो बताओ। आप लक्ष्मी मित्तल का एग्जांपल आप जानते हैं, उनका तो काम ही ये था कि जितनी सिक यूनिट थी वही उन्होंने खरीद के और वो लक्ष्मी मित्तल में। तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है, मैं ये कहता हूं जब मुझसे कभी बहुत बार ये पूछा जाता है कि मुकेश जी आप बताइए कि हम क्या प्रोजेक्ट लगाएं, मैं कहता हूं कि मैं अपने पिछले हो सकता है 30 साल के एक्सपीरियंस में ना तो कभी बता पाया और ना आगे जब तक मैं ये काम करूंगा इस फील्ड में रहूंगा ना मैं किसी को बताऊंगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है
कि जैसे आपने कहा मॉड्यूलर किचन, अब हो सकता है आपकी बात सुनकर मेरे भी दिमाग में आ जाए कि यार मॉड्यूलर किचन का प्रोजेक्ट लगा लेता हूँ। ये तो बता दिया अमित जी ने कि ये तो बहुत बढ़िया है, सभी लोग इसको मॉड्यूलर किचन को ले रहे हैं, मैं अपना जाके फटाफट मेरे बैंक से लोन मिले या ना मिले अपने घर से पैसा लगा के लगा लिया मैंने प्रोजेक्ट, मान लो थोड़े दिन में मैं देखूंगा अमित जी अपना भी जो है ना सब डुबो डुबो के घर वापस आ जाऊंगा। ये डिपेंड करता है हर प्रोजेक्ट के लिए। आप मेरी बात को शायद एग्री करेंगे कि आपने भी देखा होगा कि आपके जैसे बहुत सारे और लोग आए होंगे इस मॉड्यूलर किचन को आपको देख के या और किसी ब्रांड को देख के, और वो अभी तक बंद करके अपने घर जा चुके होंगे। ये जो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने का या कौन सा प्रोजेक्ट वायबल है कौन सा प्रोजेक्ट वायबल नहीं है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, मेरा हमेशा ये मानना है। और जब मैं कहता हूं कि सक्सेसफुल बिजनेस के टिप मैं जब देना चाहता हूं, मैं यही कहता हूं कि पहले आप जो भी बिजनेस करें उसका आप अच्छी तरह से पूरी स्टडी करें, उसकी पूरी ड्यू डिलीजेंस करें। ये भी जैसे आपने कहा कि भाई बिल्डर सबको लगाना है, अब मैंने कर लिया और मैंने जाके, क्योंकि क्या होता है जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो एग्रेशन भी होता है कि हमें माल बेचना है, मैंने 10-5 बिल्डर को कहा, वो उन्होंने भी देखा कि अच्छा है मुकेश मोहन नया नया खिलाड़ी आया है चलो जरा इसको काटते हैं। अब वो आगे भाई साहब उन्होंने ऑर्डर दे दिया धड़ाधड़ मैंने भी माल बना बना के लगा दिया और वो पेमेंट तो मिल नहीं रहा है जी। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं, कितना मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं कितना उधार बेच सकता हूँ, टेक्नोलॉजी को मैं कितना अडॉप्ट कर सकता हूँ, मैंने कितना देख लिया है उसके बारे में, मेरे पास टीम कैसी है। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहें मेरे दोस्तों, तो आप पहले उसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप पहले उसकी आप फैक्ट्री लगाएं, उससे पहले जरा अमित जी के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए ना उसकी, आप अगर लगाना चाहते हैं आप देखिए कि आपको कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, आपका पेमेंट कैसे मिल रहा है, आप उसको सक्सेसफुली आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए। नहीं है तो सर्विस कर लीजिएगा थोड़े दिन अमित जी की, जब मैं सोचूंगा तो मैं तो आपके यहाँ आके थोड़े दिन सर्विस कर लूंगा, जॉब कर लूंगा सीखने के लिए। तो हम पहले उस बिजनेस के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं, मैं अगर 10 लोगों से पूछूं, आपने मुझे कहा क्योंकि आप एक सफल व्यापारी हैं, आपने इसको एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं मैं जानता हूं, मैं अगर किसी और से पूछूंगा वो गारमेंट का काम कर रहे हैं वो कहेंगे भाई साहब गारमेंट का कर लो ये अच्छा है, तीसरे कोई कहेंगे फर्नीचर का कर लो, चौथे कहेंगे यार पैकेजिंग में अभी बहुत स्कोप है ये कर लो, कुछ और कहेंगे कि अभी आप डिजिटल ये काम कर लो। तो ये सुन के कभी भी इंडस्ट्री कोई लगानी नहीं है। तो बैंक्स भी जब जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं किसी को सुन सुना के देखभाल के अगर मैं चला जाता हूं तो मैं सफलता की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो मेरी भी जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं जो बनना चाहते हैं उनसे मेरा एक सुझाव यही रहेगा कि प्लीज आप थोड़ा पहले स्टडी करिएगा, मार्केट स्टडी करिएगा, जाइए दर दर की ठोकरें खाइएगा, दुकान दुकान पर घूमिएगा, देखिए कि वो कितने कंपटीटर ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, किस तरह से वो आपका माल कहाँ खरीदा जाएगा, कितने दिनों का उधार चल रहा है, टेक्निकल टीम कहाँ पर मिलेगी। इन चीजों का अनुभव किए बिना आपको मुझे लगता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप एक साल लगा लीजिएगा, 6 महीने लगा लीजिएगा इस काम में, अच्छे से अनुभव लीजिएगा और फिर बिजनेसमैन बनके सफलता की नई ऊंचाइयां। क्योंकि हमने देखा अमित जी और शायद आप ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझाते हैं कि जितने भी स्टार्टअप हैं उनमें से 90% से ज्यादा फेल हो जाते हैं, आपका ही मैंने सुना है। तो 90% से ज्यादा अगर फेल हो जाते हैं तो क्या कारण है? मुझे लगता है कारण यही है कि हम बस किसी की बात सुन सुना के और कहते हैं कि भैया, कई लोग आते हैं कहते हैं कि भाई साहब लोन दिला दो। मैं अभी हमने एक सेमिनार की थी, वहां हमने बुलाया पूरी देश से, वहां पर बहुत सारे लोग आए, लोगों ने कहा कि लोन, हमने बोला अच्छा आ जाओ ऊपर आओ, हमने स्टेज पे बुलाया एक, हमने बोला बोलो क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैंने बोला अच्छा क्या करोगे बताओ 25 लाख, गारमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। हमने बोला अच्छा बताओ किस किस चीज के लिए चाहिए, कितनी मशीन लगाओगे, हमने बोला 10 मशीन लगाओगे, बोलो कितने की आती है एक सिलाई मशीन, 25,000 रुपए की आ जाएगी मान लो, तो आपको 2.5 लाख रुपए हो गए, अब आप और क्या चाहिए। तो मतलब कुल मिला के वो 10 लाख का मुझे या 25 लाख का मुझे वो बता नहीं पाए कि वो 25 लाख रुपए उनको किस चीज के लिए चाहिए। तो पहले अच्छे से समझिए, पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल बनाइए, देखिए कि आपको, कई बार क्या होता है जैसे आपने कहा कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है मॉड्यूलर किचन का अच्छा है, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा अपना मार्जिन जो है ना वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, जितने की मशीनें आएंगी, जो मैं रेंट पर लूंगा जगह उनके लिए मेरे पास 6 महीने का 4 महीने का कुछ ऐसा
मार्जिन है या नहीं कि मैं अपने मार्जिन भी लगा सकूं बैंक को दिखाने के लिए, बताने के लिए और जेन्युइनली भी। तो हम प्रोजेक्ट भी उसी हिसाब से उसी साइज का चुने जितनी अभी हमारी हैसियत है, बढ़ते रहें धीरे धीरे और अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करते रहें। जी, तो मैं भी अपने स्टार्टअप से एक बात कहता हूं कि जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट को लगाना है और आपका ड्रीम प्लान अगर वो है और आपने होमवर्क अच्छे से कर लिया है, तो सबसे पहला जो काम है वो है प्रोजेक्ट डिजाइनिंग। आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन करते हैं और उस प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में हर वो चीज शामिल है जो आपके बिजनेस पे लगने वाली है। केवल मशीनरी की बात नहीं है, आपकी मशीनरी है, मशीनरी की इंस्टॉलेशन है, फैक्ट्री है, सेटअप है, स्टाफ है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल है जिससे आप अपने मटेरियल को घुमाएंगे मार्केट में, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ कितना गेस्टेशन पीरियड आपके पास है कि आप उस मनी को प्रॉपरली रोटेट कर पाएंगे, और कितने दिन का क्रेडिट अगर आप किसी को देते हैं तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद कितना फाइनेंशियल बैकअप प्लान आपके पास है कि आप आगे व्यापार को चलाने में लगा पाएंगे। मतलब एक पूरे साल की आपकी प्लानिंग क्या है, अगले 3 साल की प्लानिंग क्या है, अगले 5 साल की प्लानिंग क्या है। जब ये पूरा प्रारूप आप बनाकर तैयार करेंगे तभी आप एक बेहतरीन तरीके से कोई प्रोजेक्ट तैयार कर पाएंगे। और आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को अगर आप एमएसएमई में तैयार करना चाहते हैं तो आप मुकेश मोहन जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर का एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल है जहां पर एमएसएमई हेल्पलाइन को लेकर एक चैनल है जहां पर हर वो जानकारी जो एमएसएमई को चाहिए, हर वो सपोर्ट जो एक एमएसएमई को चाहिए वो वहां पर उपलब्ध है। और मुकेश मोहन जी के बारे में मैं अगर बताऊं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। अभी तक हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि ये प्रभाव दिखाएं कि किसी सीए को बुलाया है, तो सबसे पहले तो हम यही चाहते थे कि किसी को सबको ये पता हो कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति आ रहा है, ना कि सीए की डिग्री का नाम लेकर किसी व्यक्ति को इनवाइट किया जा रहा है। फाइन, दूसरा मुकेश मोहन जी का एक चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एमएसएमई के लिए हेल्पलाइन के रूप में काम करती है। तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सर से कॉन्टैक्ट करेंगे। आप उस चैनल पर जाएंगे तो आपको कॉमेंट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न रहेगा वो प्रश्न वहां पर रखेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि आज एक घंटे का समय है, कहते हैं कि दुनिया की सफलतम राज हर पुस्तक में भरे पड़े हैं, पर उन पुस्तक को पढ़ने के लिए भी एक समय चाहिए, और आज वो पुस्तक जो है वो हमारे साथ बैठे हुए पुस्तक के रूप में। मुकेश मोहन गुप्ता जी एक फुली एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल पर्सन है जो एमएसएमई में डील करते हैं, और हर तरह के प्रश्न आपका, एक किसी राज्य से संबंधित प्रश्न वो पूरे भारतवर्ष के प्रश्नों को लेते हैं कि किसको क्या चाहिए, कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे वो जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। उसके अलावा सर मैंने देखा है कि आप एक प्रॉपर मीटिंग ग्रुप भी चलाते हैं जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, और ये बहुत वैल्यूएबल है। आप सभी सर का चैनल सब्सक्राइब करें। सर एक बार चैनल के बारे में आप बताएं, और मैं तो वही वाली प्यारी लाइन आपसे सुनना चाहूंगा जैसे हम बोलते हैं कि मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो अमित जी बस कोशिश यही है कि जैसे ही कोई स्कीम आती है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो या सरकार की हो या मुझे किसी और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या मुझे जो लगता है कि ये तो मेरे जो एमएसएमई दोस्त हैं उनको जरूर जानना चाहिए, चाहे वो रात को बनाऊं या दिन में बनाऊं, कोशिश ये रहती है कि तुरंत वो उस स्कीम का सीधे सरल शब्दों में, मतलब एक कोशिश ये जरूर रहती है कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सीधी रहे, हर आदमी उसको समझ सके। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कहा कि कमेंट्स में, मैं समझता हूँ कि शायद मैं सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता, ये मैं समझता हूँ कि आपके और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि क्यों हम नहीं दे पाते, और कोविड के समय में तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एमएसएमई हेल्पलाइन पर आप जब जाएंगे तो आपको जरूर, आप कोई भी आपकी समस्या होगी, मैं समझता हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको जरूर वहाँ जानकारी मिलेगी। मैं एक और यहाँ पर सलाह देना चाहता हूँ बस, कि अगर आप एक एमएसएमई है तो तुरंत आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। दोस्तों ये उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सरकार की वेबसाइट पर जाकर ही कराइएगा, क्योंकि जब भारत सरकार बोलती है कि 6 करोड़ से ज़्यादा जो एमएसएमईज हैं, लेकिन अभी तक केवल 30 लाख ही एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जिसमें उन्होंने बोल दिया है बैंक्स को कि भैया देखिए आप केवल उन्हीं लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में कवर कर सकते हैं एमएसएमई के रूप में जिनका अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और भी बहुत सारी स्कीम है कि जैसे अगर आपका लोन अकाउंट खराब हो गया, कभी उसमें स्ट्रेस हो गया तो रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलती है, वो भी उन्हीं को मिल सकती है जिनका अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन हो। और अंत में बस अमित जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं
कांटों में राह बनाते हैं। परेशानियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं है हम एमएसएमईज के सामने, लेकिन हम अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, और जैसा कि आप हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, हम, मुझे लगता है कि सफलता जरूर हमारे कदमों को चूम सकती है। सर बहुत शानदार बात आपने कही है, और आप ही की बात को मैं समर्थन करते हुए और आप ही के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादातर वही कविताएं बोलता हूँ जो मैं लिखता हूँ, कि आपके साथ ना सर बहुत अच्छे, मैं सभी स्टूडेंट्स को और सभी व्यूवर्स को एक बात कह रहा हूँ कि आपके साथ एक बहुत अच्छे मेंटर एंड गाइड है, बशर्ते आप उनको रेगुलर फॉलो करें, उनसे बहुत सारा ज्ञान अर्जित करें, और वो तभी संभव है जब आप उनको फॉलो करेंगे, जब उनके वीडियोस को देखेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, उनकी हेल्पलाइन पर जाएंगे। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज कितना भी अंधेरा हो, जरा सी रोशनी ना उस अंधकार को मिटा देती है, कि फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू, सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा। बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। मुकेश मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने कविता, और खुद आपकी रचित है तो ये उस पर और भी सोने पर सुहागा है अमित जी। मैं बहुत बहुत व्यूवर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, इतने मतलब पैंडेमिक के टाइम में आपने बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला, और मुकेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। और मैं आपसे एक आश्वासन भी चाहता हूँ कि आगे जब भी हमें, हमारे सभी व्यूवर्स को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको हम इन्वाइट करेंगे और आपके ज्ञान का लाभ हम सब लोग लेंगे। ये मेरा सौभाग्य है अमित जी, और आगे भी अगर आप कभी मुझे मौका देंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, आज के कार्यक्रम में सर हमारे बहुत सारे ऐसे एसोसिएट पार्टनर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को फुल फ्लैश एडवर्टाइज किया, जैसे साउंड वैल एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, बूफर्स, एम्पलीफायर्स, इनका काम करते हैं। एक जिंग इन्फोटेक है जो डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा उनका सेटअप है, काम करते हैं। ग्रोफर्स कार्ट एक हमारे स्टार्टअप है, वो हमारे स्टूडेंट हमारे किसी बैच के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बैच के हैं, तो उन्होंने देखा कि एक समस्या क्या है कि लोगों के घर में सब्जी और मसाले और ये सारी चीजें, ग्रोसरी नहीं पहुंच रही, तो ग्रोसर्स कार्ट के नाम से उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया, और लॉकडाउन में उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक बात दोबारा बता देता हूँ, ग्रोसर कार्ट, जिंग इन्फोटेक और साउंड बेल, SS इंटरनेशनल, ये सभी वो कंपनीज हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया आज के इस पूरे वेबिनार के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मुकेश मोहन सर के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद बहुत बहुत।